सुप्रभात आदरणीय अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी शब्दावली कक्षा 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम शब्दावली में सबसे पहले पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। क्या आपको पता है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द को कहते हैं। समान अर्थ होने के कारण इसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। किसी भी वस्तु को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है, इसलिए इसे समानार्थक, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अब आप श्वेत पट की ओर ध्यान से देखें। इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। किनारा, किनारा का पर्यायवाची लिखना है हमको। किनारा किसे कहते हैं? तट, नदी का तट देखे ना आप लोग, तो किनारा का तट। और तीर, कुल भी हो सकता है। किसी भी शब्द के दो से अधिक पर्यायवाची भी होते हैं, लेकिन आपको दो ही लिखना है। मित्र, आप अपने मित्र को और क्या कहकर पुकारते हैं? दोस्त। और सखा, सखा दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ मित्र है। मेघ, मेघ किसको कहते हैं? बादल या जलद, उसे जलधर भी कहा जाता है। बादल, जलद। फूल, ये क्या है? फूल, इसे हम लोग और किस नाम से पुकारते हैं? सुमन, पुष्प, कुसुम। सुमन, कुसुम। पानी, ये ग्लास में क्या है? पानी। पानी को और हम लोग क्या कहते हैं? नीर, जल, वारी। जल, नीर। किताब, ये किताब, इसको हम लोग पुस्तक भी बोलते हैं और पोथी भी बोलते हैं। तो किताब के दो पर्यायवाची क्या हुए? पुस्तक और पोथी। पुस्तक, पोथी। ईश्वर, ये गणेश जी की मूर्ति है, ये क्या है? भगवान है। तो ईश्वर का पर्यायवाची भगवान, प्रभु। प्रभु, घर, हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में। तो उसका पर्यायवाची आलय, सदन। आलय और सदन, हम लोग घर को सदन भी बोलते हैं और आलय भी। सूरज, सूरज का रवि, दिनकर, दिवाकर। रवि,
दिनकर, बाग, बगीचा, और बगिया, उपवन। किसी भी शब्द के दो से भी अधिक पर्यायवाची भी हो सकते हैं, लेकिन हम आपको दो ही शब्द लिखना है। फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। किनारा, तट, तीर, मित्र, दोस्त, सखा, में, बादल, जलद, फूल, सुमन, कुसुम, पानी, जल, नीर, किताब, पुस्तक, पोथी, ईश्वर, भगवान, प्रभु, घर, आलय, सदन, सूरज, रवि, दिनकर, बाग, बगीचा, बगिया। दूसरा प्रश्न है, सही पर्यायवाची शब्दों को रेखांकित करें। तालाब, यहाँ पर आपको चार शब्द दिए हुए हैं, उसमें से आपको तालाब का पर्यायवाची शब्द चुनकर उसके नीचे लाइन खींचना है। जलाशय, प्रयास, कुसुम, ताल। तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? जलाशय, तो उसके नीचे रेखांकित। ताल, प्रयास और कुसुम गलत है, जलाशय और ताल तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तरकीब, यहां भी आपको चार शब्द दिए हैं, आपको उसमें से तरकीब का दो सही पर्यायवाची चुनना है। जलद, उपाय, चेष्टा, तरीका। तरकीब का क्या होगा पर्यायवाची? समान अर्थ वाले शब्द, उपाय और तरीका। पर, पंख, जग, डैना, आकाश। पर का अर्थ होता है पंख, पंख को हम लोग डैना भी कहते हैं। आप लोग पक्षियों के पंख देखे हैं ना? हाँ, तो पर का होगा पंख और डैना। जगत, जगत का पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द क्या होगा? चार शब्द यहां दिए हैं, आपको दो सही शब्द चुनना है। जग, शहर, नगर और संसार। जगत हम लोग किसको कहते हैं? जग को, और उसे हम लोग संसार भी कहते हैं। तो सही पर्यायवाची जगत का क्या हुआ? जग और संसार। शहर और नगर है वो गलत शब्द हैं। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। तालाब का पर्यायवाची जलाशय और ताल है, तो हम लोग उसके नीचे क्या किए हैं? रेखांकित किए हैं। तरकीब, उपाय और तरीका। पर, पंख, डैना। जगत, जग, संसार। बच्चों, शब्दावली की सूची आपके विद्यालय के वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। आप प्रतिदिन उससे लिखकर अभ्यास करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।